नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शोक संवेदना व्यक्त करने जाते समय फिरोजाबाद के शिकोहाबाद सुभाष राहे पर मौजूद गंगेश्वर पाठशाला पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सपा और बसपा पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं, उसकी बजाय वो अपने मन के अंदर जो विषैली ग्रंथि अलगाववाद की है और उस ग्रंथि को जलावे। और समाजवादी पार्टी अब सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का अपमान करना बंद करे। सनातन धर्म में ही शुद्धों को सबसे पवित्र माना जाता है, उन्हें ऋषि का स्थान मिला है। महर्षि रविदास, महर्षि वाल्मीकि इसके उदाहरण है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा की जो भाषा विभाजन करने की थी, उसी पद चिन्हों पर अब सपा चल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलित और पिछड़ों ने ही जो मतदान किया, उससे ये लोग बौखला गए हैं। भेद नहीं रहा है, जो कार्य के अनुसार श्रेष्ठता का भाव था और भगवान के श्री प्रभु के श्री चरणों से जो श्री चरण है सबसे पवित्र माने जाते हैं। भगवान के श्री चरणों की पूजा होती है और उसी चरणों से इनका प्रादुर्भाव मानते हैं सनातन संस्कृत में। तो ये तो सबसे श्रेष्ठ हुए। इनको बहका के, यानी जो बसपा की भाषा थी विभाजन करने की, उसको बोल के समझते हैं कि वोट का पोलराइजेशन कर लेंगे। असंभव है। गुजरात में अनुसूचित और पिछड़ों ने जिस प्रकार से वोट दिया, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने और अनुसूचित ने जिस प्रकार विधानसभा में वोट दिया, यही इनके अंदर खलबली का कारण है। महोबा में युवा पीढ़ी, खासकर स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा चल रहे इन्वेस्टर्स समिट में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक परीक्षण कार्यशाला शहर के डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष सचिव नोडल अधिकारी IAS राधेश्याम आज महोबा पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे तक चली कार्यशाला में मुख्य अतिथि सहित भी वक्ताओं ने कैसे जीविका के साधन सरकार की मदद से जुटाए जा सकते हैं, इसकी जानकारियां दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में ही इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और इसी के तहत आगामी 11 और 12 फरवरी को प्रदेश के ही राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज होगा। और इसके पहले ही आज महोबा के वीरभूमि डिग्री कॉलेज में परीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए, सरकार जो है इन्वेस्टर समिट जो 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में आयोजित है, उसमें देश विदेश के जो उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पूंजी इन्वेस्ट करेंगे। जब हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे जो है हमारे जो प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो अध्ययन कर रहे हैं और इस लेवल के तैयार हो रहे हैं कि आगे चलकर उनको जॉब की आवश्यकता है और जॉब पाने के योग्य हैं, उनके लिए एक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है। अब खबर बहराइच से है, जहां ग्राम परहरी सहज राम, जिसकी आकस्मिक मृत्यु रोड एक्सीडेंट के कारण हो गई थी और वही थाना रिसिया परिवार को पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देश के क्रम में 2 क्विंटल 50 किलोग्राम चावल और गेहूं, 25 और इसके साथ ही 1600 नगद मृतक के पत्नी को देकर संवेदना व्यक्त की गई है। और इस काम से रिसिया क्षेत्र में पुलिस सबके बीच चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बदायूं में मानदेय न मिलने पर लेकर ही महिला और उसके पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। वहीं महिला ने बताया है कि उसको 21 महीने से मानदेय नहीं मिला, जिसकी शिकायत महिला ने जिलाधिकारी से की, लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से महिला ने अपने पति के साथ मिलकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला और उसके पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बता दें आपको कि बड़ी जानकारी सामने आई है बदायूं से, जहां पर बताया जा रहा है कि बदायूं में ही
मानदेय न मिलने के लेकर ही महिला और उसके पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। महिला का साफ तौर पर कहना है कि उसको 21 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसकी शिकायत उसने महिला ने ही जिलाधिकारी से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण महिला परेशान हो गई और अपने पति के साथ मिलकर वहां पर पहुंची और जिसके बाद महिला और महिला के पति ने ड्रामा किया है। झांसी में बड़ा गांव थाना क्षेत्र के उमा पेट्रोल पंप पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है और वीडियो में पीट रहा शख्स सेल्समैन बताया जा रहा है। बता दें आपको, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वीडियो लगातार वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि बताया जा रहा है झांसी में बड़ा गांव थाना क्षेत्र के उमा पेट्रोल पंप पर यह पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इकट्ठी होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये भी जानकारी सामने आई है कि कुछ दिन ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक किस कारण से युवक की पिटाई की गई है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पिछले दिनों जनपद के ही उसका और चिल्लिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले तीन शातिर चोरों को उसका और पुलिस और इसके साथ ही एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने अपराध को कबूल करते हुए बताया है कि वो पहले रेकी करते थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर बगल के जनपद में भाग जाया करते थे, जिससे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर रहे। और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनके काफी आपराधिक इतिहास हैं और ये कई मामलों में वांछित रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताते चले आपको कि लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, पिछले दिनों जनपद के ही उसका और चिलैया थाना क्षेत्र के ही चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले तीन शातिर चोरों को उसका पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी के सामानों के साथ फिलहाल गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई है कि पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि चोरों ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि पहले रैकी करते थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर बगल में ही जनपद में भाग जाया करते थे, जिससे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर बनते रहे। मुख्य टीम के सदस्य द्वारा थाना उसका बाजार पुलिस व एसओजी द्वारा आज चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया है। इसमें थाना उसका बाजार के मुकदमा पत्र संख्या 13/23 व 17/23 व थाना चिलिया की मुकदमा पत्र संख्या 174/22 का अनावरण किया गया है तथा बिजवनगंज बासी मार्ग के पास से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सिराजुद्दीन उर्फ बबलू, रिंकू छोटले और राम नयन है। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से चोरी किए गए आभूषण, 1 अदद हाथ लाई, 2 अदद मोबाइल, 1 अदद पंपसेट और 6,850 रुपए जो चोरी का माल बेचने से उनके पास थे बरामद किया गया है। उन्हें निम्नानुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करके माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा निम्नानुसार इनका गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। काशगंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15,000 रुपए का इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान ही बदमाश के पैर में गोली लगी है और ये चोरी और लूट की घटनाओं में फरार चल रहा इनामी बदमाश था। और इस दौरान ही कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 3 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की गई है। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताते चले आपको, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी और काशगंज पुलिस और एसओजी टीम को यह सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 15,000 रुपए का इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है और यह चोरी और लूट की घटनाओं से फरार चल रहा इनामी बदमाश बताया जा रहा था। और इस दौरान ही कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 315 बोर और 3 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इसके साथ ही बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक काशगंज महोदय के निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एसओजी टीम के द्वारा एक मुखबिर से सूचना मिली थी
कि थाना अमापुर क्षेत्र में बाइक सवार दो संदिग्ध व्यक्ति मूव कर रहे हैं मोहनपुरा की तरफ से। उनका पीछा करते हुए और थाना अमापुर के प्रभारी निरीक्षक को सूचना देते हुए इसकी चेकिंग कराई गई भगुपुरा के जंगल के पास में। यहाँ पर जब हमारी पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक थाना अमापुर की टीम वहाँ मौजूद रही तो एकाएक उस पर इस बाइक सवार के जो दो व्यक्ति हैं उनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान आत्मरक्षा हमारी पुलिस टीम और पीछे से आ रही एसओजी टीम के द्वारा भी इस पर फायरिंग की गई। इस दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम बिहारी उर्फ खुदाबख्श पुत्र कल्लू खां निवासी अकबराबाद थाना क्षेत्र अलीगढ़ का निवासी बताया गया, उसको जो है पैर में गोली लगी हुई है। दूसरा एक काले उर्फ वाले नाम का व्यक्ति जो बताया निहोली कला का निवासी, वो भागने में अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकला है। इस दौरान अब खबर काशगंज से है जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और इस टक्कर में बाइक सवार विद्युत कर्मी की मौत हो गई है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बता दें आपको कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार में टक्कर मारी है। ये जानकारी सामने आई है जहां पर बता दें कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस टक्कर में बाइक सवार विद्युत कर्मी की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। गोरखपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत बैनीगंज चौकी का जीर्णोद्धार होने के बाद 3 जुलाई को वर्तमान के ही एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने फीता काटकर उद्घाटन किया गया था, लेकिन जर्जर दीवार का ही कायाकल्प हो गया है और जिस कारण आज आपको बता दें कि सब्जी का दुकान लगाने वाली 8 साल की मासूम बच्ची की इसमें दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतका 8 वर्षीय अनन्या उसकी मां के साथ सब्जी बेचती थी और उसके पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। मां अपने दो बच्चों के साथ सब्जी बेचकर अपनी जीविका चलाती थी, लेकिन आज उनकी बच्ची ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि चौकी प्रभारी महोदय ने अपने बैठने के साथ ही अपने गेट का कार्य कल्प कर दिया है, लेकिन इस जर्जर दीवार को बनवाने की जहमत नहीं उठाई। अगर जन सहयोग से उन्होंने इस चौकी का कायाकल्प किया था तो थोड़ा सा और सहयोग देकर इस दीवार की भी मरम्मत करवा देते। फिलहाल इस जर्जर दीवार के कारण ये घटना घटी है और एक परिवार उजड़ कर रह गया है। तो आपको गोरखपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर बता दें कि हादसे के कारण 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि दीवार गिरने से बच्ची की मौत हो गई है, चौकी की दीवार गिरने से इस बच्ची की मौत हुई है। 8 साल की बच्ची थी, उसके पिता नहीं थे, ये जानकारी सामने आई है। और माँ बेटी सब्जी बेचा करते थे, लेकिन बेटी दुकान पर थी, जिसके बाद चौकी की दीवार गिरी जिससे बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवहन विभाग में तैनात कैशियर को पकड़ने से नाराज चालकों ने बसों का चक्का किया है और वहीं इस दौरान चौराहे पर लंबा जाम देखने को मिला है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के ही अंतर्गत यूपी सड़क परिवहन निगम रायबरेली डिपो में तैनात कैशियर अनिल सोनकर को एक हिस्ट्री शीटर की जमानत लेने के आरोप में अदालत से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस पकड़कर कोतवाली ले आई और इसी दौरान आक्रोशित होकर रोडवेज कर्मियों के चालक और परिचालक ने बस स्टेशन चौराहे पर बसों को आड़ा तिरछा खड़ा कर जाम कर दिया है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची रही। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लोगों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बता दें आपको कि इसको लेकर
जो चालक और परिचालक यहां पर हंगामा करते हुए देखे गए हैं और इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी बता दें आपको, परिवहन विभाग में तैनात कैशियर को पकड़ने से नाराज चालकों ने बसों का ये चक्का जाम किया है और इसी दौरान चौराहे पर लंबा जाम देखने को मिला है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यूपी सड़क परिवहन निगम रायबरेली डिपो में तैनात कैशियर अनिल सोनकर को एक हिस्ट्री शीटर की जमानत लेने के आरोप में अदालत से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस पकड़कर कोतवाली ले आई और इसी से आक्रोशित होकर रोडवेज कर्मियों के चालक और परिचालक ने बस स्टेशन चौराहे पर बसों को आड़ा तिरछा खड़ा करके चक्का जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और जिससे दोनों तरफ लंबा जाम भी देखने को मिला। करीब एक घंटे तक चले हंगामे से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची रही और इसके साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।